अंबेडकर भवन पर वाल्मीकि समाज ने कार्यक्रम का किया आयोजन। राज्य मंत्री का वाल्मीकि समाज ने किया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री ने वाल्मीकि समाज को सामुदायिक भवन की दी सौगात। पोहरी से खबर सामने आ रही है। अंबेडकर भवन पर वाल्मीकि समाज ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने वाल्मीकि समाज की मांग पर सामुदायिक भवन की घोषणा की, साथ ही आगामी मार्च महीने में भगवान वाल्मीकि के मंदिर बनाने की कहा, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से मांग की और नगर परिषद में सफाई कर्मी है जिन्हें समान कार्य की तरह समान वेतन दिया जाए, जहां 34 सफाई कर्मियों को 3,000 रुपए के मान से वेतन मिल रहा है जिन्हें 9,000 कराया जाए। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको और सभी परिवार के लोगों को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे मेरे परिवार के लोगों ने बुलाया, उन्होंने मेरा मान सम्मान किया और वाकई में बहुत ही प्रसन्न था। मैंने भी उनका सम्मान किया था और मेरे परिवार के लोगों ने छोटी छोटी समस्या मेरे सामने रखी थी, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए उनको आश्वासन दिया है। एक उन्होंने समुदाय भवन की मेरे से मांग की, वो मैंने स्टेज पर ही स्वीकृत कर दिया और 5,00,000 रुपये उनको समुदाय भवन के लिए मैंने घोषणा की है, बहुत जल्दी उनका समुदाय भवन बना के दूंगा। एक उन्होंने मंदिर की मांग मेरे को रखी है कि वाल्मीकि समाज का मंदिर नहीं है भगवान का, तो वो भी मैंने कहा कि मार्च के बाद आप मेरे को पुनः बुलाएं तो मैं मंदिर की भी घोषणा करूंगा और मंदिर भी उनका मैं बनवा के दूंगा। रहा नगर पंचायत में कुछ भाई कुछ परिवार के बेटा बेटी तो हमारी बहू हैं लग नहीं पाई, तो मैंने उनको भी आश्वासन दिया मैं सीएम को बात करूंगा, हमारे यहाँ कितनी जगह खाली हैं, जितनी जगह खाली होंगी उसकी मैं पूर्ति कराऊँगा और परिवार के सभी सदस्यों को लूँगा। और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि जिस तरह से पूरे देश में और विदेशों में भी चर्चा है, तो हमारे इंदौर शहर की सफाई के लिए मेरा आग्रह उनसे भी है और आपसे भी है, पत्रकार साथी हमारा साथ दें। मैं चाहता हूँ संभाग में पोहरी का प्रथम नंबर सफाई में आना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन पोहरी को हम संभाग में प्रथम नंबर पर लेके आएंगे।